i now invite our guest of honour, honourable mr. sanjay singh, member of parliament, to deliver an address. <laughs> बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ पी विल्सन साहब को कि वो ऐसा मौका हम लोगों को देते हैं बोलने के लिए और एम के स्टालिन साहब का संबोधन अभी हुआ हम लोग जब सोशल जस्टिस पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं ऐसे समय में बहुत सारी घटनाएं देश में हैं जो हमको झकझोर के रख देती हैं जब हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर एक अनुसूचित जाति के बच्चे ने गेंद को छू लिया तो उसका अंगूठा काट लिया गया जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय का एक युवक उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का नेता पेशाब करता है जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में शमशान घाट में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता जब हम देखते हैं कि बुलंदशहर के अंदर सीआरपीएफ का एक जवान अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ने के लिए उसको पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है जब हम देखते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा उसको टीचर क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से था माइनॉरिटी से था दूसरे बच्चों से कहती है इसको मारो इसको पीटो ये सारी घटनाएं हमारे दिल को झकझोर के रख देती हैं और इसके कारण से आजादी के 75 साल के बाद भी सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय का मुद्दा आज भी उतना जीवंत है आज भी उतना जरूरी है जितना पचहत्तर साल पहले था जब तक असमानता रहेगी जब तक समाज में एक दूसरे के प्रति भेद रहेगा इसके खिलाफ सोशल जस्टिस की लड़ाई चलती रहेगी आज अभी हमारे साथी डी राजा जी कह रहे थे कि आर्थिक समानता होनी चाहिए कैसी आर्थिक समानता है भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने एक दोस्त अडानी को आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का गैस अडानी का बिजली अडानी की सड़क अडानी की पानी अडानी का रेल अडानी का सब कुछ एक व्यक्ति को देते जा रहे हैं आप और कैसे रिजर्वेशन लागू होगा इस देश के अंदर सारी संस्थाओं का निजीकरण कर दिया जा रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ओबीसी के लिए एस सी के लिए जो रिजर्वेशन रहता है उसमें कहा जाता है कि योग्य कैंडिडेट नहीं मिला इसके नाम पे वहां पे रिजर्वेशन खाया जा रहा है तो इसलिए यह रिजर्वेशन का मुद्दा निजीकरण के साथ साथ धीरे धीरे इस देश के अंदर खत्म किया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है सरकार की पॉलिसी है कि धीरे धीरे इस देश के अंदर रिजर्वेशन खत्म करो और सारी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण कर दो निजी संस्था बना दो तो अपने आप रिजर्वेशन की कोई जरूरत ही नहीं होगी रिजर्वेशन उनको चाहिए नहीं तो इसलिए कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है आज महिला आरक्षण बिल का ढिंडोरा पीटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और क्या है वो महिला आरक्षण बिल कह रहे हैं ये महिला आरक्षण बिल 24 में नहीं लागू होगा ये पता नहीं 29 में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा 10 साल में लागू होगा कि 20 साल में लागू होगा कुछ पता नहीं क्योंकि 24 में चुनाव हार जाएंगे इसलिए उसके पहले ये विमेंस रिजर्वेशन बिल का ढिंडोरा पीट के उसको लाने की तैयारी कर रहे हैं इंडिया एलाय को सबको मिलकर इस बात का विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर महिला आरक्षण बिल पर आपकी नियत साफ है तो जो हमारी मांग है उसके अनुरूप बिल आप लाइए और बिल 24 में लागू होना चाहिए 29 का और 35 का और उसके आगे 10 साल 15 साल तक इस देश की महिलाओं को कब तक इंतजार करना पड़ेगा इसमें इस देश को मत फंसाइए और इसलिए आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात हुई उन्होंने देश का संविधान लिखा कैसी सरकार है ये एक इंडिया का अलायंस बन गया तो इसके कारण से इंडिया का नाम मिटाने पे लगे हुए हैं कह रहे हैं इंडिया नाम कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देंगे 900 बार इंडिया का शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है आर्टिकल वन कहता है इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स आप उसी को चेंज करना चाहते हैं इंडिया नाम से आपको नफरत हो गई तो इसलिए ये न तो धर्म के हैं ना संविधान के हैं ये लोग प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी का मामला इनका सामने आया था उसको हमने उजागर किया तो ना राम के हैं ना आम के हैं ना किसी काम के हैं ये सिर्फ देश को चंद अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेचना चाहते हैं तेरह लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का कर्जा इस देश के अंदर माफ किया गया आप ये हालत इस देश की बना दी गई है इस समय कि आप किसी भी चीज के ऊपर निगाह उठा लीजिए वहां पर मोदी जी का दोस्त मिलेगा और अपने सारे दोस्तों को इन्होंने कह रखा है देश को लूटो देश की बैंकों को खाली करो और खाली करके विदेश में जाके आराम से बैठो मौत से बैठो और 2014 के बाद इस देश में मोदी वॉशिंग पाउडर है जो आपके हर तरह के दाग धुल देगा भ्रष्टाचार कीजिए गुंडागर्दी कीजिए माफियागिरी कीजिए बीजेपी में शामिल हो जाइए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ईडी का सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है हर राज्य के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तमिलनाडु में वहां के मिनिस्टर्स को पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है दिल्ली में मिनिस्टर्स को पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है झारखंड में चीफ मिनिस्टर को परेशान किया जा रहा है बिहार के अंदर वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूर्व मुख्यमंत्री को पर, सारे देश के अंदर सिर्फ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ने का सरकारों को गिराने का एक धंधा इनके द्वारा पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है और पता नहीं कहां से इनको टेंडर मिल गया हिंदू धर्म का पता नहीं कहां से इनको ठेकेदारी मिल गई हिंदू धर्म की पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर कर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं लोग तो इस लड़ाई में सोशल जस्टिस की लड़ाई में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी हम लोग पहले दिन से आपके साथ हैं आगे भी आपके साथ रहेंगे यह बात जो कही जाती है कि रिजर्वेशन 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 इसकी सच्चाई आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो 57 परसेंट लोग सरकारी नौकरियों में अपर कास्ट के हैं 17 परसेंट ओबीसी के हैं और 17 परसेंट एस के हैं ये सच्चाई बताता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी सत्तावन प्रतिशत लोग 57 परसेंट लोग अपर कास्ट के आज भी सरकारी नौकरियों में हैं और इतना रिजर्वेशन रिजर्वेशन को लेकर हल्ला मचाया जाता है उसके बावजूद ओबीसी 17 परसेंट और एस 17 परसेंट ये रिजर्वेशन की सच्चाई है तो कई मोर्चों पे हम लोगों को लड़ने की आवश्यकता है और इस लड़ाई में आपके साथ हैं फिर से एक बार एम के स्टालिन साहब का डी का और विल्सन जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा मंच हम लोगों को दिया हम लोगों को बुलाया आदरणीय राम गोपाल यादव जी बैठे हुए हैं जब अभी चर्चा हो रही थी महिला आरक्षण पे, इन्होंने बहुत सारे वैलिड पॉइंट उठाए मुझे लगता नहीं कि इस रिजर्वेशन बिल में उसको कहीं से जगह मिलेगी और अगर नहीं मिलेगी तो इनके साथ मिल हमारी पार्टी विरोध भी करेगी इंडिया अलायंस हम लोग सब लोग मिल इसका विरोध भी करेंगे हाँ ये बात ज़रूर है कि मुझे इन्होंने सस्पेंड करके बाहर रखा हुआ है जो भी इनके खिलाफ बोलता है जो भी अडानी का इशू उठाता है उसको सस्पेंड करके बाहर कर दो ये एक इनकी नीति बन गई है तो उसकी कोई चिंता नहीं है हम लोग आपके साथ हैं बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, sir.